वॉचिंग थ्री टूर गाइड चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नारान में लॉकडाउन के बाद ये सूरत हाल है। आज 22 जुलाई है गलबन, ये देख सकते हैं आप, कोई रश नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये है नारान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेस्टोरेंट। आप देख रहे हैं कि इसके चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। ये बारबेक्यू वाला उसका वो है, जिसको आप स्नैक बार या जो भी कह सकते हैं स्पॉट। और ये इसकी कुर्सी हम भी उठा दी हैं, बिल्कुल कोई कस्टमर नज़र नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शालों की दुकान है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह की। यहाँ पर भी कोई गाहक नहीं है और दुकानदार गाहकों के इंतज़ार में बढ़े। दुकानों पर भी कोई कस्टमर नहीं है और ये रेस्टोरेंट यहाँ भी इसके कोक और दीगर अमला फ्री बैठे हुए हैं, रोड खाली पड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट नारान बाज़ार के सेंटर में वाक़ है, बिल्कुल दरमियान में, और इस वक्त यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं है। और ये ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ सीज़न सबसे पहले शुरू होता है और सबसे आखिर में ख़त्म होता है, तो सब लोग फ्री बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से। ये सामने वाली दुकानों में भी कोई कस्टमर नहीं है। ये चश्मा फरोश करने वाले भी फ्री बैठे हुए हैं, बाकी दुकानदार कुछ दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं और बाकी दुकानों पर भी कस्टमर न होने के बराबर। ये रेस्टोरेंट के कुक हैं, इनसे पूछते हैं भाई क्या पोजिशन है और आपके हालात कैसे जा रहे हैं लॉकडाउन में। हाँ जी, क्या आपके सूरत हाल क्या है यहाँ पर लॉकडाउन के बाद? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी वाकई बढ़ चुकी है, जिस रेस्टोरेंट में 250 मुलाजिम काम करते थे वहाँ अब 100 मुलाजमी से भी कम है। ये नारान का आखिरी कोना बाज़ार यहाँ पे आगे हैंड हो जाते, ये नारान का पहला होटल है। जब आप पिंडी की तरफ आएँ भरपूर रश होते यहाँ पे, लेकिन इस वक्त ये खाली पड़ा है। और ये बाज़ार के अंदर जाने वाली सड़क, और ये लॉकडाउन की बिना पर कस्टमर ना होने की वजह से दुकानदार गाहकों के इंतजार में बैठे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकान में कोई कस्टमर नहीं है। ये नारान के मरकजी इलाके में वाकई एक सुपर स्टोर है, जहाँ पर किसी ज़माने में बहुत बड़ा रश होता था, आज खाली पड़ा है। ये जीपों की एक तवील कतार खड़ी है जी, सब लोग परस्याहों को ले जाने के लिए के इंतजार में ये टेबल भी खाली पड़े हैं, ये सब लोग फ्री बैठे हुए हैं। और ये नारान बाज़ार की शुरुआत है, पहले आपने नारान बाज़ार का आखिरी हिस्सा देखा था। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जीपें मुसाफरों के इंतज़ार में खड़ी हैं, जिसे मुल्क पर जाने वाली जीपें ये, लेकिन कस्टमर ना होने की बिना पर यहाँ फ्री खड़ी हैं। सारी दुकानों पे कस्टमर आपको नज़र नहीं आएंगे, एक दुकान टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये एक और रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी कोई कस्टमर नहीं है, स्टाफ काम कर रहे हैं। ये कबाब वाले भाई भी फ्री बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होटल एंड रेस्टोरेंट भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कल यहाँ सेहत की बंदिश के खिलाफ एहतजाज होगा। मदीना जी भी पैक आसा, असली कलाम गाल हुई है, कलाम भी दूर जा रहे हैं, मदी भी जुड़ता है, नचे गली भी रोज फोना कर दे, एक सवाल होता है सर, होटल टूरिज्म खुला नहीं खुला, ना तो बच्चे अजा नहीं खुलता। अगला सवाल वो मेरे को यही करता है, सर कुछ पैसे भेज सकते हो, असा कोल अपने बच्चे के दुध
राजस्थान में बसते हैं, टोकरी वाला, कुरियाने वाला, मोश वाला, चाय के जितनी बिजनेस है, पंजाबी जो है, सब अपनी है। ये पाकिस्तान में हर शोभा खुला है, खुला है या नहीं खुला? सिर्फ और सिर्फ सियासत को घेरा हुआ है उन्होंने। ये क्या जुल्म है कि सियासत को घेर कर खासकर कहान वाजी कहान को दरान वालों को इतना फंदे में डाला हुआ है कि सारे लोग आप अपने आप पे जबत रख के फिर भी ये इतने इतजाज करने पे कायल हैं। पानी का भी तेजी से आ रहा है, ग्लेशियर अब पानी की शिकल अख्तियार कर चुका है। ये गाड़ियाँ रावलपिंडी मानसेरा बालाकोट की जानब से आ रही है और ये देख रहे हैं आप रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। ये सबसे बड़ा पानी है सड़क पे नारायण और बालाकोट के दरमियान और गाड़ियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं ये H600 आ रही है, ये बस अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद रास्ता ठीक है माशाल्लाह, इसका व्यू भी अच्छा आ रहा है। अगर यहाँ सीमेंट के बने हुए पाइप रख के सड़क इसके ऊपर से गुजारी जाए तो सारा मसला हल हो सकता है। और लॉकडाउन में ये है कागान की सूरत हाल, ये है कागान गांव जिसके नाम पर ये वैली की आबाद है। कभी यहाँ बड़ी रौनक हो गई थी, आज ये खाली पड़ा हुआ है जी फ्रेंड। और ये है केवाई की मशहूर जमाना आबशार नारायण और बालाकोट के दरमियान, ये सबसे बड़ी आबशार है और ये है उस आबशार का पार्ट टू। उसके बाद ये आबशार यहाँ इस तरह आगे आ रही है, ये दूसरा रेस्टोरेंट है वो आबशार रेस्टोरेंट और ये है एहसानिया होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पानी में बैठ के आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं और ये है केवाई। Fantastic and informative videos about Pakistan. Please subscribe to our channel.